सिख धर्म उत्ते जाने अनजाने हमले जारी ने कदे गुरु साहिबान जी दीआं तस्वीरां थैलियां ते छापियां जांदियां ने ते कदे उन्हां दे एनीमेटेड चित्र बना के वीडियो बनाईआं जांदियां ने। इन्हां घटनावां दे चलदिआं इक होर घटना ने विवाद दा रूप धारण कर लिया। अमरीका दे विच एक जिम ट्रेनर सुमीत सानी वालों अपनी पिठ ते गुरबाणी दीआं तुक्कां लिखवाउण दीआं तस्वीरां सामने आउण तों बाद सिखां विच भारी रोस पाया जा रिहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सोशल मीडिया उत्ते वायरल हुई वीडियो जिस विच अमरीका की औरत वालों अपनी पिठ उत्ते गुरबाणी की तुक लिखवाई हुई है दा सख्त नोटिस लेंदिया उस खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि गुरबाणी सिखां दी आस्था है ते इस औरत ने अपने शरीर उत्ते गुरबाणी दीआं तुक्कां लिखवा के गुरबाणी का निरादर किया है। उन्होंने कहा कि इस औरत की अजिही हरकत नाल सिख संगतां दे मनां नूं भारी ठेस पहुंची है जिस करके संगतां अंदर भारी रोस है। धामी ने कहा कि कुछ लोग सिखां दीआं धार्मिक भावनावां नूं जान बुझ के सट मार रहे ने जिन्हां नूं अपनियां हरकतां तों बाज आउणा चाहीदा है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी भारत विच अमरीका दे दूतावास अते अमरीका सरकार नूं पत्र लिखिया जा रहा है तां जो लड़की दे खिलाफ सिख भावनावां अनुसार कार्रवाई की जा सके। उधर सिख जथेबंदियां अंदर भी भारी रोस है ते लड़की दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दी मांग की जा रही है। इस तो पहला भी अजिहे कई विवाद सामने आ चुके ने जिस नाल सिख कौम दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची है। श्रोमणी कमेटी वालों मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा नूं पिछले दिन दसम पातशाह जी की इतराज़ योग एनीमेशन बनाउण उत्ते नोटिस भेजा गया सी। डॉक्टर बिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट विच एक वीडियो पोस्ट किया सी जिस विच दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का एनीमेशन बनाया होया सी। इस वीडियो में गुरु साहिब जी दीवान टोडरमल जी के नाल गल करते हुए दिखाई दिते सन। वीडियो में दीवान टोडरमल जी नूं जैन धर्म के नाल जोड़ के दिखाया गया सी जो कि गलत जानकारी है। हालांकि विवाद भखण तों बाद विवेक बिंद्रा ने माफ़ी मंग ली सी। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।